दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी की, मेरे कान्हा जी की कृपा अनुकंपा आप सब पे हमेशा बनी रहे और आप सभी का प्यार दुलार हमेशा मुझे ऐसे ही मिलता रहे। तो मैं रीता आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। लेकिन ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं छोटा सा एक मोटिवेशन थॉट बोलना चाहती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी ना दोस्तों, ऐसा होता है और सभी के जीवन में होता है कि हाँ, किसी के कटु वचन जाने अनजाने में हमको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा दिल दुखी हो जाता है, लेकिन हम उसको जवाब नहीं दे पाते। और ये सही भी है, किसी की भी बात का हमेशा जवाब देना ये सही नहीं है। समय आने पे परिस्थितियाँ उस इंसान को खुद जवाब दे देंगी, लेकिन उस समय पर हमको क्या करना चाहिए, हमको सिर्फ एक प्यारी सी स्माइल दे देनी चाहिए। क्योंकि वो उस प्यारी सी स्माइल से अगर उस आदमी के अंदर अगर बिल्कुल भी अगर सोचने समझने की क्षमता होगी तो उसको खुद ही ये एक्सेप्ट हो जाएगा कि हाँ, गलती किसकी है। और क्योंकि ना, जितना हम कम बोलते हैं ना, उतना ही प्रभावशाली हमारे शब्द होते हैं। हर बार बहस करना किसी से अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि इंसान खुद की गलतियों पर तो खुद का वकील बन जाता है, लेकिन दूसरों की गलतियों पर जज भी बन जाता है कि ये गलती दूसरे इंसान की है। तो उससे बहस करके हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो हमारी होती है उसको हम क्यों खोएं। हम अपने काम में व्यस्त रहें, एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए ऐसे आदमियों की बातों को इग्नोर करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। एक शायरी ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मंजिलें मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। तो आप सभी को ये छोटी सी शायरी कैसी लगी और मोटिवेशन थॉट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो इधर आज है मेरे घर में, पहली बात तो खुशी का कारण ये है कि मेरी 1000 सब्सक्राइबर आप सभी के सपोर्ट से पूरे हो गए। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कि आप सभी का सपोर्ट बना है मेरे साथ, और प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहिएगा। और दूसरी जो इन सब चीज़ों जो बनाने का और मेरी खुशी का कारण है वो ये है कि आज हमारे घर में नवा है, जो कि बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। जब खेत में नई फसल होती है, उसमें बीज पड़ जाते हैं, तब तो नवा किया जाता है। तो जैसे कि मेरा जो व्लॉग है वो इसी पे आधारित है कि जो भी मेरे यहाँ की छोटे बड़े रीति रिवाज या मेरे गांव के, मेरे घर के जो भी होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमारे यहाँ नवा किया जाता है, तो मुझे ये लगा कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये बसंत पंचमी के समय ही होता है, शुभ दिन वो होता है। लेकिन बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर किसी की शादी थी, तो उसमें नहीं, मतलब बाहर नहीं निकल पाए थे क्योंकि बारात आई थी। तो गाँव के जानते ही हैं, गाँव के ज़्यादातर रिलेटिव औरतें बाहर किसी के आने पर, किसी बाहर के गांव के लोग आए हैं तो वो लोग आए देखें, नहीं अच्छा लगता है। इसलिए अम्मा के ही रहने दो, और अब आज कौन जाएगा सामान वामान लाने के लिए, सामान था नहीं घर में कुछ बनाने वाला, और उस दिन नया ही बनता है इसलिए उसे नवा कहा जाता है। तो इधर पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो चावल है ये मैं घर से लेके आई थी, और ये बासमती चावल है, बहुत ही ज़्यादा महकते हैं। तो ये चावल मैंने आज बनाने का सोचा कि थोड़ा आज डाल दूँगी, बाकी मैंने अपनी नंद रानी के लिए रखा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा उनकी याद भी आती है। और मतलब रखा है, थोड़ा ही लेके आई थी, ज़्यादा नहीं था, घर से लेके आई थी, पापा ने दिया था। तो हाँ, मैं कहाँ थी, जैसे कि हमारे यहाँ नवा होता है, तो वो नवा उस टाइम पे सामान नहीं था, नहीं आ पाया था। तो आज भी शुभ दिन था, पंडित जी को दिखाया अम्मा ने, और हमारे गाँव में ज़्यादातर सभी पंडित हैं, सभी मतलब पंडिताई वाला काम करते हैं, कथा वार्ता वाला काम करते हैं। मेरे ससुर जी भी कथा वाचने जाते थे, पंडित थे। तो अभी आज नवा का वो रखा गया है, तो इसलिए खाने में आलू की पूड़ी कह लीजिए या पराठा कह लीजिए, और सादी पूड़ी और मटर पनीर की सब मतलब पनीर दो प्याज़ा बन रहा है, और आलू मटर गोभी की सब्ज़ी बन रही है, सेवई बन रही है मीठे में, और सादी पूड़ी बन रही है, और चावल बन रहा है, और सरपहिता, मतलब ये सारी चीज़ आज बन रही है। तो अभी तो फ़िलहाल आपने देखा कि मैंने सेवई भी फ्राई कर ली है, और मतलब दाल भी मेरी हो गई है, सरपहिता जो बथुआ होता है वो भी मैंने फ्राई कर लिया है। और इधर मैं दोनों सब्जियां एक साथ छौंक रही हूँ, जैसे कि मसाला मैंने एक ही पीसा था, और एक ही मसाला दोनों सब्जियों में डाल दूंगी, जो भी खड़े मसाले थे हमारे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काला फूल, दालचीनी, खसखस, सब कुछ मैंने मतलब पीस लिया था खड़े मसाले। खाली टमाटर पीसा था, प्याज नहीं पीसा था, क्योंकि प्याज दो प्याजा में, तो प्याज मैंने स्लाइसिस करके डाले हैं, आप सभी ने देखा ही है। और ये देखिए, ये वाली सब्जी है आलू मटर वाली, जो कि रिया चला रही है, ये वाली है पनीर दो प्याजा। तो पनीर दो प्याजा में ज़्यादातर प्याज मैंने ब्राउन नहीं किए हैं, क्योंकि उसमें प्याज अगर ब्राउन कर दूंगी तो फिर वो एकदम से गल जाएंगे। तो इसमें इसका मतलब यही है कि हाँ, थोड़े खड़े खड़े से प्याज रहें, इसलिए मैंने उसको बाद में डाला है। और इधर देखिए, सेवई मेरी बन गई है, सेवई में ड्राई फ्रूट
उतना मेरे को नहीं पसंद है और घर में भी कोई उतना नहीं खाता, खाली मुझे गरी ही इसमें पसंद है और इलायची, तो इसलिए मैंने वो ही डाला है। और खीर बना सकती थी लेकिन खीर नहीं बनाई, क्योंकि खीर ज़्यादातर घर में किसी को उतना पसंद नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है। सेवई मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सेवई ही बनाई है और बच्चों को भी बहुत पसंद है। बच्चे जो चीज़ चाव से खाते हैं ना, तो वो बनाने का भी मन करता है। और आज इतना सारा सामान आ गया है कि मैं तो मतलब ये रहता है ना, आज मेरी ससुर जी की मुझे याद आ गई कि जब भी मेरे ससुर जी थे ना, तो वो कोई भी सामान मेरे घर में जब ख़त्म होता था, जब मैं शादी करके आई थी, तो वो पापा से कहते थे कि पापा आज ये सामान नहीं है, तो शाम को वो सामान, चाहे उनकी कोई कथा वो बाँचने जाएँ या ना जाएँ, पैसे मिले या ना मिले, लेकिन वो भगवान की ऐसी कृपा थी ना कि वो सामान घर में आ जाता था। तो आज घर में फ़िलहाल कुछ सामान ख़त्म हुआ था और आज भैया या दोनों लोग गए थे नेवता खाने के लिए, हमारे यहाँ नेवता खाने जाते हैं, तो वो कोई बड़ा आदमी था जिनके घर से एक्सपायर हुए थे, तो उन्होंने 1 किलो तिल, 1 किलो भेली, 1 किलो गेहूं, चावल और तेल, हल्दी मतलब वगैरह सब कुछ दिया था। और इधर देखिए मैंने सारा सामान जो फैला हुआ था सब साफ़ कर दिया है। और इधर 2-2 किलो सेब, तकरीबन 4 किलो सेब मेरे घर में हो गए हैं, ये सब सामान आया था। तो मतलब इसलिए रहता ना कि हाँ, भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि भगवान कभी मुसीबत पड़ने से पहले ही मुसीबत का हल निकाल देते हैं। मतलब मन में खाली एक बार सोचना रहता है कि हाँ मुसीबत आने वाली है। इधर देखिए सब्जी मेरी हो चुकी है। अच्छा अभी बन जाने दे। हन्नी को लग रही थी भूख, तो खाना खाने के लिए बोल रहा था, तो मैंने कहा पूजा हो जाएगी तब दे रहा है। माता जी को भूख लगेगा ना बेटा, ठाकुर बाबा को भूख लग जाएगी तब देंगे। बोलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते करो सबको। नमस्ते। मैं हन्नी को समझा रही थी बेटा ठाकुर बाबा को भोग लग जाए ना, तब उसके बाद खाया जाएगा। तो इधर सिर्फ अब पूड़ी और पराठे रह गए थे बनाने के लिए, तो मैंने कहा अभी आटा भी मैंने गूंथ के रख लिया था, तो मैंने सोचा पहले कॉफ़ी थोड़ी पी ली जाए, क्योंकि मन मेरा भी थोड़ा हो रहा था। और इधर हन्नी अपनी दीदी को डांट रहा था, छोटे बटे बच्चे इतनी अच्छी तरीके से बोलते हैं ना कि अच्छा लगता है कभी कभार अपने बच्चों को नज़र लगाना कब हो जाता है। और इधर दिया पूड़ी बेल रही है, क्योंकि उसे पूड़ी रोटी वगैरह आप सभी जानते ही हैं कि इसे बनाने का बहुत शौक़ है। और जो नहीं जानते, नए सब्सक्राइबर हैं, उनको भी मैं बता देती हूँ कि रिया को रोटी खाना ये सब बनाने का बहुत शौक़ है। अभी जब से ये वो बनाने लायक हो गई है तब से मेरे साथ ही लगी रहती है। और इधर आलू का भी वो कभी कभी देखिए ऐसा होता है ना कि आलू जो होते हैं ना वो बनाने लायक मतलब नहीं रहते, गीले हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उससे पराठे भी हमारे ठीक से नहीं बनते। लेकिन ये जो आलू अभी आज आया था सब्जी वाला, तो उससे लिए गए हैं ना, तो ये आलू बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल भी गीलापन नहीं लग रहा है इसमें। और इधर देखिए मैं फटाफट से सिर्फ अभी भोग लगाने के लिए पूड़ी तल दूंगी, और क्योंकि भूख लग जाए उसके बाद, ताकि इधर बनाती रहूं, बच्चे खा लें, क्योंकि बच्चों को लगी है भूख। और इधर देखिए हमारी पूड़ी बनके तैयार हो गई, तो 5 पूड़ियाँ मैंने बना ली थी और एक पराठा भी सेक दिया था फटाफट से। और इसमें ना भोग किस तरीके से लगाया जाता है मैं अभी आपको दिखा देती हूँ आगे। इसमें जो गेहूं जो हुआ है ना, उसका वो जवा एक लेके आया जाता है, मतलब एक उखाड़ के लेके आते हैं, जवा बोलते हैं उसको, और उसको दही और चीनी में मिला के ठाकुर बाबा को भोग लगाया जाता है। उसके बाद वही दही चीनी हम खाने में डालते हैं, मतलब उसको खाने में, चाहे आप पूरे खाने में डाल दीजिए और चाहे आप दाल में डाल दीजिए, ताकि वही दाल जब सबके पास जाएगी तो जान लीजिए सभी प्रसाद वो ले लेंगे। तो ऐसे ही नवा किया जाता है। तो इधर पूरी पूड़ी और पराठा हमारा हो गया है। तो कभी कभी 2-2, 3-3 खुशियाँ एक साथ आ जाती हैं, कितना ही मन निराश होना फिर भी मन बहुत है, मतलब अंदर से आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो नहीं सोचते हम वो भी खुशियाँ मिल जाती हैं। और अब मुझे विश्वास हो रहा है, और पहले आप देख लीजिए यही है जवा, जो कि धान गेहूं का जवा है, ये यही भगवान के पास चढ़ाया जाता है। उसके बाद इसी में दही चीनी मिला के, मतलब इसके छोटी सी पत्तियों में दही चीनी के उसमें मिला के इसकी पत्तियां, देखिए जैसे गेहूं का बाल निकल गया है ना, तो बाल जब निकल जाता है तो वही बाल दही में और चीनी में मिला के ठाकुर बाबा को भोग लगाया जाता है। उसके बाद वही दही चीनी इसमें डाली जाती है। और इधर देखिए ये जो चूहिया है ना, ये काफ़ी देर से इधर उधर खुदक रही थी, तो मेरे को लगा कि ये भूखी है, इसको भूख लग रही होगी, तो बहुत देर तक ये देख रही थी बड़े ध्यान से,
तो फिर रिया ने एक रोटी दे दी, तो देखिए कैसे लेके जा रही है ना। आइए आप सभी मुंह मीठा कर लीजिए कि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर आप लोग की वजह से पूरे हो गए, आप सभी के आशीर्वाद से पूरे हो गए, आप सभी के प्यार से पूरे हो गए। और मुझे पनीर बहुत, पनीर और मुझे सेवई, मुझे मीठा ही बहुत पसंद है। तो ये खाना आप सोच रहे हो कैसे ले रखा है, तो ये बाबू ने खाया था, हनी ने, वही छोड़ दिया था, तो वेस्ट क्यों करना, इसलिए मैंने खा लिया वो खाना। और इधर ये वो कपड़े हैं ना जो मैंने सुबेरे धोए थे, तो अभी फ़िलहाल रात में काफ़ी ज़्यादा शीत से भी गिरती है, ओस कोहरा हो जाता है, तो कपड़े गीले हो जाएंगे। और वाइट कपड़े भी हैं बाबू के सुबेरे स्कूल जो पहन के जाने हैं, तो वो भी मैं इसी टाइम उठा लूँगी, नहीं तो फिर गीले हो जाएंगे ना। और इधर देखिए मैं सारा अपने जो भी डस्टिंग है सब इसी टाइम कम्प्लीट कर लूँगी, ताकि सुबेरे ज़्यादा टेंशन ना रहे। और बर्तन लाइट चली गई थी तो मैंने मास्क लिए हैं जो कि मैं शूट नहीं कर पाई। और इधर जो सेब रखे हैं ना, ये सेब मैं बाहर ढक के रखूँगी, नहीं तो फिर यहाँ पे ना चूहे आते हैं। और ये देखिए क्लीन होने पर कितना अच्छा लगता है घर एकदम साफ साफ सा। और इधर मैं इसको बोरे से ढक दूँगी, क्योंकि ये सब भी हमारा ही काम रहता है कि हाँ कहीं से कोई चीज़ खुली ना रह जाए, कहीं चूहे ना खा लें या नुकसान ना कर दे, बिल्ली वगैरह भी आती रहती हैं। और इधर आज फ्रिज में खाना पूरा भर गया है, इधर मैंने दरवाज़ा भी बंद कर लिया है। घड़ी में देखिए बज रहे हैं 9:40 हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, और बज चुके हैं रात के 9:30 से ऊपर ही हो रहा है, 9:40 हो रहे हैं जैसे कि आपने देखा ही। और गुड नाइट कहने से पहले, राधे राधे शुभ रात्रि कहने से पहले, आप सभी का एक बार फिर बहुत 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 भगवान का और आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मेरे कान्हा जी के बाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी का प्यार और सपोर्ट और प्यार की वजह से मेरे 1K के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जिसको कि ना कहते हैं ना कि आदमी कोई कोई खुशी ऐसी होती है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाता हूँ, मैं सही में बयान नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सभी को ये बात और एक बार कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो में मुझसे कहने में या वीडियो में अगर मेरे अगर कोई भी अगर आप सभी को कोई गलती दिखती है, तो आप सभी बड़े हैं या छोटे हैं, बड़े छोटे कोई मतलब नहीं आता, जो सही राय दे वो ही सबसे बड़ा होता है। अगर मैं कुछ गलती करती हूँ, आप अगर मेरे से छोटे हैं या आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, कोई भी हैं, आप सब मेरी फैमिली, अपनी फैमिली समझ के मुझे आप लोग समझाइए, बता दीजिएगा कि हाँ आप ये गलत कर रही हैं या गलत आप बोल रही हैं, तो मैं उसको सुधारने की जरूर कोशिश करूँगी। क्योंकि अभी नया नया यूट्यूब चैनल है तो उतना कुछ पता नहीं है, इसीलिए बस इतना ही कहना है आप सभी से। और प्लीज़, वीडियो बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं, और जो यूट्यूब फैमिली है, जो लेडीज़ हैं, घर की हाउस वाइफ हैं, जो कुछ भी ब्लॉग तो कोई भी बना रही हैं, आप सभी जानते हैं कि हाँ कितनी मेहनत लगती है हम सबको, सुबह से शाम हो जाती है, फैमिली को देखना, घर में काम करना, फिर ब्लॉग बनाना, एडिट करना, बहुत काम हो जाता है और इतनी मेहनत से बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो फुल वॉच किया कीजिए। अगर आप सभी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे कृष्णा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में।